लंच ब्रेक। स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे किसका वेट करते हैं आपको क्या लगता है? गेम पीरियड का और स्कूल छूटने का इंतजार सभी बच्चों को होता है, लेकिन एक और चीज है जिसका इंतजार बच्चों को होता है, वो है लंच ब्रेक। क्योंकि उस ब्रेक में सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, साथ में खाना खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। सभी बच्चों की तरह हमारे गट्टू चिंकी भी जाते हैं स्कूल, और उनको क्या पसंद होगा। एक दिन पापा गट्टू और चिंकी से पूछते हैं, गट्टू चिंकी तुम्हें स्कूल में सबसे ज्यादा कौन सा वक्त अच्छा लगता है? पापा के इस सवाल का गट्टू ने झट से जवाब दिया, मुझे तो गेम पीरियड अच्छा लगता है पापा। और चिंकी बेटा तुम्हें? मुझे तो पसंद है लंच ब्रेक। अरे हाँ, मुझे भी लंच ब्रेक का वक्त बहुत पसंद है। पापा गट्टू चिंकी के ये सवाल सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा अच्छा चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। स्कूल जाओगे तभी तो तुम्हारा प्यारा लंच ब्रेक एंजॉय कर पाओगे। पापा की बात सुनकर गट्टू चिंकी दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं कि तभी गट्टू को एक बात याद आती है और वो धीमी आवाज में चिंकी से कहता है, अरे कल का प्लान भूल गई चिंकी, कल हम सब लंच ब्रेक में पार्टी करने वाले हैं। अरे हाँ, और सब लोग अपने अपने टिफिन में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट डिशेस लाएंगे, ऐसा तय हुआ था, मैं तो भूल ही गई थी। गट्टू ने जैसे ही चिंकी को याद दिलाया, चिंकी एक्साइटेड हो गई और उसने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी मम्मी। चिंकी की आवाज सुनकर मम्मी तुरंत बाहर आ गई और चिंकी से कहा, क्या हुआ चिंकी? मम्मी का टिफिन में क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और चपाती। क्यों, क्या हुआ, कल कुछ स्पेशल है क्या? हाँ मम्मी, उसे तो स्पेशल ही कह सकते हैं। किसी का बर्थडे तो नहीं? अरे नहीं मम्मी। तो फिर? गट्टू चिंकी चाहते थे कि कल मम्मी टिफिन में देने के लिए कुछ खास बनाए, लेकिन उनको कहाँ कुछ पता था कि गट्टू चिंकी और उनके दोस्तों ने मिलकर लंच के लिए क्या प्लान तैयार किया है। इसलिए मम्मी क्या क्यों कैसे सवाल पूछे जा रही थी, तो गट्टू चिंकी ने कहा, चिंकी तुम मम्मी को डिटेल में बताओ कि कल ऐसा क्या है जो हम दोनों टिफिन में खास कुछ बनाने का कह रहे हैं। गट्टू की बात होते ही चिंकी कल लंच ब्रेक में होने वाले टिफिन पार्टी के बारे में मम्मी को बताती है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। तो क्या बना रही हो कल? वो भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। गट्टू और चिंकी दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अब चलो अपने कमरे में सो जाओ। दूसरे दिन गट्टू चिंकी अपने आप ही सुबह जल्दी उठकर स्कूल की तैयारी करते हैं। दोनों काफी उत्सुक है कि मम्मी टिफिन में क्या दे रही है। दोनों किचन में जाते हैं तो उनके टिफिन ऑलरेडी पैक होते हैं, इसलिए सरप्राइज बाहर नहीं आता। स्कूल पहुंचते ही उनके सभी दोस्तों से मिले, बंटी गुड्डी हरी राजू सभी दोस्त गट्टू चिंकी से पहले ही स्कूल पहुँच गए थे। लो गट्टू चिंकी भी आ गए। लेट हो तुम दोनों, मुझे लगा आओगे भी या नहीं। ऐसे कैसे नहीं आते, आज तो लंच ब्रेक में मजे करने हैं, पार्टी है। गट्टू चिंकी और उनके सभी दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि कब लंच ब्रेक होगा और कब वो इकट्ठा होकर मजे करेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। पहला पीरियड शुरू हुआ, गट्टू और बंटी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बंटी उनसे टिफिन में क्या लाया है वो बता रहा था कि तभी सर ने उन्हें पकड़ लिया। क्या गड़बड़ चल रही है वहाँ? गट्टू और बंटी खड़े हो जाओ। कुछ भी तो नहीं सर। तुम बताओ बंटी, क्या खुसुर फुसुर चल रही थी? कुछ नहीं सर, अब ये वो लंच ब्रेक। लगभग बंटी के मुंह से लंच ब्रेक निकल ही गया था। क्या क्या कहा? नहीं सर कुछ नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे थे। पढ़ाई पर ध्यान दो, बातें मत करो। गट्टू ने तुरंत संभाल लिया, नहीं तो पूरे क्लास को आज पता चल जाता कि गट्टू चिंकी और उनकी टीम ने लंच ब्रेक में क्या प्लान किया है। धीरे धीरे एक एक पीरियड होता गया, अब बस लंच ब्रेक से पहले होने वाला जियोग्राफी का पीरियड बाकी था। उसके खत्म होते ही लंच ब्रेक था। सबसे बोर सब्जेक्ट तो मुझे ये जियोग्राफी लगता है। मुझे भी लंच ब्रेक से पहले होता है, इसीलिए मैं सह पाता हूँ, वरना मैं तो सो जाता। सचमुच क्लास में सब बोर हो रहे थे, शायद सभी को भूख लगी थी, सभी लंच ब्रेक का इंतजार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। मैंने टिफिन में गरम गरम पराठे लाए थे यार, और ठंडे हो गए होंगे,
और ये पीरियड है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हरी को तो इतनी भूख लगी थी कि वो जियोग्राफी, क्लासरूम सब कुछ भूल गया था और खाने की बातें करने लगा था। सब लंच ब्रेक की बहुत राह देख रहे थे। क्लास के सभी बच्चों के चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक लंच ब्रेक की घंटी बजी। लेकिन बच्चे इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन हरी जोर से चिल्लाया, गट्टू चिंकी, लंच ब्रेक हो गया, ये। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि अभी तक जियोग्राफी की टीचर क्लास में ही है। गट्टू चिंकी गैंग को लगा कि अब टीचर उन्हें डांटेंगी, लेकिन टीचर ने भी बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, इंजॉय करो बच्चों। बच्चे भी इंजॉय करने लगते हैं। घंटी बजते ही सब बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर ग्राउंड की तरफ दौड़ते हैं। गट्टू चिंकी, हरी, राजू, गुड्डी सब स्कूल के प्ले ग्राउंड में एक पेड़ के छांव में इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोगों ने अपनी पसंद की चीजें टिफिन में लाई थी। सब एक एक करके टिफिन में क्या क्या लाए हैं बताओ, ठीक है? जैसा चिंकी ने कहा ठीक वैसे ही सभी बच्चे करने लगे। वो अपने टिफिन में क्या क्या लाए हैं वो बता रहे थे। मैंने तो पराठे लाए हैं भाई। और तुमने बंटी? मैंने तो लाया है मसाला डोसा विद चीज। वाओ, सो यम्मी यम्मी। सबने अपने अपने टिफिन खोले। किसी ने छोले भटूरे लाए थे तो किसी ने मसाला राइस। सब तो अपना अपना टिफिन खोलकर बैठे थे। अभी भी गट्टू चिंकी का टिफिन बंद था, सरप्राइज बाहर नहीं आया था। अरे गट्टू चिंकी, तुमने क्या लाया है वो तो दिखाओ जरा। वो एक सरप्राइज है हमारे लिए भी। तो चलो जल्दी से टिफिन खोलो, देखो तो क्या है अंदर। गट्टू चिंकी अपना टिफिन खोलते हैं। उसमें एक खुशबूदार मसाला पनीर की सब्जी और गार्लिक नान थे, और साथ में ही थे मीठे मीठे गुलाब जामुन। वाह, गुलाब जामुन मेरे फेवरेट। मेरे भी फेवरेट। हमारे भी। ये तो बहुत बढ़िया सरप्राइज था गट्टू चिंकी। उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। हरी के लाए हुए पराठे, पनीर की सब्जी और छोले भटूरे सब आपस में मिलजुल कर खा गए। खाना खाते वक्त हंसी मजाक मस्ती तो चल ही रही थी। अंत में सभी ने गुलाब जामुन खाया और गट्टू चिंकी के सरप्राइज की, यानी कि गट्टू चिंकी की मम्मी की जम के तारीफ हुई।